नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ हस्तरेखा यानी पाल्मिस्ट्री के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा के अंत में दो शाखाएं उत्पन्न हो जाएं और उनमें से एक हृदय रेखा की ओर नीचे झुकी हुई हो तो यह समझना चाहिए कि एक सुखहीन वैवाहिक संबंध जातक के क्रूर व्यवहार और हृदयहीनता के कारण समाप्त हो जाएगा। जब विवाह रेखा में से कोई रेखा नीचे जाकर शीर्ष रेखा से मिल जाए तो यह समझना चाहिए कि जातक और उसकी पत्नी में गंभीर मतांतर के कारण वैवाहिक संबंध का दुखद अंत होगा। विवाह रेखा यदि अपने अंत पर दो शाखाओं में विभाजित हो जाए और उसमें से एक रेखा निकलकर द्वीप चिन्ह से युक्त हो और सूर्य रेखा को स्पर्श करे तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण चिन्ह माना जाता है। ऐसे योग से वैवाहिक बंधन की समाप्ति बहुत अपमानजनक परिस्थिति में होती है और जातक की मान प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगता है। यदि विवाह रेखा द्वीप चिन्ह से आरंभ हो तो स्त्री के हाथ में इससे आभास मिलता है कि उसको फंसा कर और धोखा देकर उसके साथ विवाह हुआ है या होगा।